दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने कम्युनिटी टैब पर एक पोस्ट डाली थी, जहां पर हम लोगों ने पूछा था आपसे कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं, बेस्ट एसयूवी अंडर 7 लाख या फिर 10 लाख या 15 लाख या फिर 20 लाख, जिस पर आप लोगों का सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला है बेस्ट एसयूवी अंडर 10 लाख। इसीलिए दोस्तों पेश है आपके सामने बेस्ट एसयूवी अंडर 10 लाख। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी SUVs बताऊंगा जो कि 10 लाख के बजट में लिटरली बहुत ही बेस्ट है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी कि 10 लाख के बजट में कौन सी कंपनी का कौन सा वेरिएंट आपको लेना है और उस वेरिएंट की कितनी प्राइस लगेगी और उस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स मिल जाता है, प्लस उसका इंजन कितना रिलायबल है और वो गाड़ी की सर्विसिंग कॉस्ट अराउंड कितनी होती है, ये सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शशि है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कार चमत्कार। दोस्तों इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जैसे कि बेस्ट कार अंडर 7 लाख इन इंडिया या फिर बेस्ट कार अंडर 10 लाख इन इंडिया या फिर बेस्ट कार अंडर बेस्ट SUVs अंडर 12 लाख या फिर बेस्ट कार अंडर 15 लाख। सारे वीडियोस पर आप लोगों का अनबिलीवेबल रिस्पॉन्स मिला है बहुत, और हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए भी आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद और थैंक यू। बेस्ट SUV अंडर 10 लाख के बजट में अगर देखा जाए तो लिस्ट में नंबर 5 पर हम लोगों ने रखा है मारुति की फ्रॉन्क्स को। तो आप सोच रहे हो कि आखिर मारुति की फ्रॉन्क्स को 5th नंबर पे क्यों रखा गया है। मारुति की फ्रॉन्क्स को यहाँ पर रखने का एक और बड़ा कारण ये है कि अगर मान लीजिए आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ गाड़ी ढूंढ रहे हो तो फ्रॉन्क्स इकलौता ऑप्शन मिलता है जो कि 10 लाख के बजट में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगी। CNG वर्जन भी अगर आप इसका खोजते हैं 10 लाख के बजट में तो फ्रॉन्क्स इकलौती ऐसी गाड़ी है जहां पर आपको CNG वेरिएंट भी मिल जाए, जिसका माइलेज आपको मैक्सिमम मिलता है उसमें 28.51 किलोमीटर प्रति लीटर का। जो क्या बात कर रहे हैं, 10 लाख के बजट के हिसाब से देखा जाए तो आप फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं जिसकी ऑन रोड प्राइस लगेगी मात्र 10,01,129 रुपए। ये मैं दिल्ली न्यू दिल्ली के प्राइस के हिसाब से बता रहा हूं आपको। 10 लाख के बजट के हिसाब से इसमें आपको 4 सिलेंडर वाला 1200cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि मैक्सिमम 88 PS की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इसका इंजन जो है लिटरली बहुत ही स्मूथ इंजन है। इस गाड़ी में आपको कहीं भी कोई भी पावर लैग फील नहीं होगा। इस गाड़ी की हैंडलिंग भी बहुत अच्छी है, ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का, सस्पेंशन क्वालिटी भी आपको इसमें ठीक ठाक मिल जाती है। माइलेज की अगर बात करें तो ARAI सर्टिफाइड इस गाड़ी का 21.79 किलोमीटर का क्लेम किया गया है जो कि माइलेज बहुत ही बढ़िया है और इससे थोड़ा सा कम आपको माइलेज मिल जाएगा। बूट स्पेस की बात करें तो थोड़ा बूट स्पेस इस गाड़ी में कम मिलता है क्योंकि गाड़ी का साइज एक्चुअली देखा जाए तो कॉम्पैक्ट है। अगर आपको कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए तो इसके साथ जरूर जाइए, लेकिन थोड़ा अगर साइज में बड़ा चाहिए बल्कि जो दिखे तो इस गाड़ी को कंसिडर मत कीजिएगा, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसमें थोड़ा कम मिलता है क्योंकि छोटी गाड़ी है तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। बूट स्पेस आपको इसमें 308 लीटर का मिलता है जो कि कम है, ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा कम है इस गाड़ी में। फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में आपको ऑल 4 पावर विंडो मिल जाता है जो कि सबसे अच्छी चीज़ है। इसके अलावा ABS विद EBD मिल रही है सर, रिवर्स पार्किंग सेंसर आ गया विद डिस्प्ले के साथ में आ गया, 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम आ गया जो कि एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो वायरलेसली सपोर्ट करेगी दोस्त। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs भी मिल रहे हैं आपको, और इसमें अच्छी चीज है कि इस गाड़ी में देखो एलॉय व्हील्स भी मिल रहा है। आगे जो मैं गाड़ियां बताऊंगा उसमें आपको एलॉय व्हील्स नहीं मिलने वाले, इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें एलॉय व्हील्स भी ऑफर कर रही है कंपनी आपको। बैकड्रॉप की अगर बात करें तो इस गाड़ी में आपको पुश बटन स्टार्ट नहीं मिल रहा है, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिलने जा रहे हैं, रियर एसी वेंट्स नहीं है इस गाड़ी में, ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर भी नहीं मिल रहा है इस मॉडल के साथ अगर आप जाते हैं तो। ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर एक जरूरी फीचर है अगर आपकी हाइट कम है तो। अच्छा, हमको सिखा रही है। सर्विसिंग कॉस्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, मारुति की गाड़ी है तो इसमें सर्विसिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं लगेगा। सबसे बड़ा बैकड्रॉप है इस गाड़ी का कि ग्लोबल एनकैप पे इस गाड़ी ने 2-स्टार रेटिंग की ही सेफ्टी लेकर के आई है। भाई मारुति की गाड़ी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते हो। हालांकि फ्रॉन्क्स अभी तक टेस्ट नहीं हुई है ग्लोबल एनकैप पे,
क्योंकि ये गाड़ी बलेनो के प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है और बलेनो ने ग्लोबल एनकैप पे 2 स्टार रेटिंग ही लेकर के आई है। लेकिन अगर आप बोल रहे हैं कि इस गाड़ी में मेरे को भाई सेफ्टी वेफ्टी नहीं मिल रही है, तो मेरे को एक ऐसी गाड़ी बताओ जिसमें थोड़ा सेफ्टी मिले, इंजन इसी तरह का मिले लेकिन सेफ्टी बढ़िया मिले भाई, तो आप लिस्ट में अगली गाड़ी के साथ जरूर जाएं। लिस्ट में नंबर 4 पर हम लोगों ने रखी है किया की सोनेट को। किया की सोनेट में अगर देखा जाए तो डिसेंट लुक के साथ, बढ़िया इंजन क्वालिटी के साथ ये गाड़ी आ जाती है। इस गाड़ी में आप सिर्फ और सिर्फ 10 लाख के बजट में मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन ही कंसीडर कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे। 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर आप देखें तो इसका HTK वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस होती है 9,98,000 रुपये। 2,000 रुपये बचेंगे, गाड़ी खरीदने के बाद पार्टी जरूर कीजिएगा। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 4 सिलेंडर का 1200cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 82 PS का मैक्सिमम पावर जनरेट करती है और 115 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इंजन बहुत ही साइलेंट रहता है, बहुत ही स्मूथ इंजन मिलता है इस गाड़ी में आपको, किसी भी तरह का कोई भी पावर लैग नहीं करती है ड्राइविंग करते समय में ये गाड़ी। हैंडलिंग बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की, ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया है इस गाड़ी की। बूट स्पेस की बात करें तो बहुत ही बढ़िया, सेगमेंट में अभी मैं जितनी गाड़ियाँ बताऊंगा सबसे हाईएस्ट बूट स्पेस अगर किसी में मिल रहा है ना लगेज रखने के लिए जगह, तो ये 385 लीटर्स का मिल रहा है, नेक्सॉन के बाद सबसे हाईएस्ट यही दे रही है आपको। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए तो 205 mm मिल रहा है, जितनी भी गाड़ियाँ मैं बताऊँगा पाँचों, इसमें सेकेंड हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल रहा है 205 mm का। ARAI सर्टिफाइड माइलेज की बात करें तो भैया 8.4 किलोमीटर प्रति लीटर का क्लेम है कंपनी का, जो कि आपको मिलेगा कभी नहीं। फीचर्स की बात करें तो भाई इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग, ABS विद EBD, ESC, VSM और TPMS यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जैसे सिस्टम मिल जाते हैं आपको। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना मिल जाता है आपको इसमें, ड्यूल टोन स्टाइल व्हील मिल जाती है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs मिल जा रहे हैं आपको, बाहर के जो दोनों मिरर है उसे आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। रियर एसी वेंट्स भी मिल रहे हैं भाई गाड़ी में, और क्या चाहिए। फ्रंट में पावर विंडो आपको मिल रहा है, ये थोड़ा बैकड्रॉप हो गया, रियर में आपको पावर विंडो नहीं मिलेगा इस गाड़ी में आपको। 8 इंच का टच स्क्रीन नहीं मिलता है, सिर्फ 8 इंच का ऑडियो सिस्टम मिलता है इसमें आपको, ध्यान से सुनिएगा। रियर पार्किंग सेंसर मिल रहा है आपको, रियर पार्किंग कैमरा नहीं मिल रहा है। हाँ, अच्छी बात यह है कि रियर में आपको कनेक्टेड टेल LED टेल लाइट्स मिल रही है आपको। बैकड्रॉप की अगर बात करें तो भाई बैकड्रॉप यही है इस गाड़ी का कि ग्लोबल एनकैप पे इस गाड़ी ने भी 3 स्टार रेटिंग ही लेकर के आई है, जो कि मेरे हिसाब से बैकड्रॉप है। और फीचर्स थोड़ा कम मिलते हैं, जैसे रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें भी आपको नहीं मिल रहा है, रियर पावर विंडो नहीं मिल रहा है, माइलेज थोड़ा सा कम है इस गाड़ी में, बाद बाकी गाड़ी बहुत अच्छी है, कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई ऐसी गाड़ी बताओ जिसमें सेफ्टी भी मिले और माइलेज भी बहुत बढ़िया हो, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी से कंसीडर कर सकते हैं, इंजन क्वालिटी से थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं, तो अगली गाड़ी के साथ जरूर जाइए। लिस्ट में नंबर 3 पे आती है टाटा की नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन की अगर देखते हैं तो 10 लाख के बजट के हिसाब से आप सिर्फ और सिर्फ इसका मैनुअल ट्रांसमिशन कंसीडर कर सकते हैं। टाटा नेक्सॉन में अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट इसके हैं कि इस गाड़ी में आपको सेफ्टी बहुत ही बढ़िया मिलती है, माइलेज बहुत ही बढ़िया मिल जाती है इस गाड़ी में। लुक्स अगर देखा जाए तो थोड़ा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक टाइप का लगता है, जो कि कुछ लोगों को ये डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव लगता है और कुछ लोगों को थोड़ा ऑड भी लगता है। 10 लाख के बजट के हिसाब से देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस होगी 9,97,000 रुपये। यहाँ पर भी देखो 3,000 रुपये बच रहे हैं, खरीदने के बाद आप पार्टी कर सकते हैं। इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में आपको 3 सिलेंडर का 1200cc का पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 118 PS का पावर जनरेट करती है मैक्सिमम और 170 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। बूट स्पेस की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट बूट स्पेस आपको मिल रहा है 382 लीटर का, तो 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जा रही है इस गाड़ी में आप। माइलेज की बात करें तो 17.44 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल जा रही है इस गाड़ी में आपको। फीचर्स के नाम पर देखा जाए तो LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, LED DRLs मिल रहे हैं आपको, ऑल 4 पावर विंडो मिल जा रहा है भाई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी मिल रहा है आपको, हिल होल्ड असिस्ट मिल रही है, 7 इंच का टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी मिल रही है इस गाड़ी में आपको, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर्स भी मिल रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBMs मिल जा रहे हैं आपको। ग्लोबल एनकैप पे इस गाड़ी ने फुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, एडल्ट प्लस चाइल्ड डॉक्यूमेंट्स दोनों के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब इस गाड़ी की अगर बैकड्रॉप की बात करें तो भाई अगर टाटा के फैन हो तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप सच्चाई जरूर जानें।
इंजन देखो थोड़ा सा नॉइजी है और वाइब्रेशन भी आता है। इवन गाड़ी चलाते समय केबिन के अंदर भी आपको वाइब्रेशन फील होगा और नॉइजी इंजन का साउंड भी आपको आएगा। 118 पीएस का पावर जनरेट करती है, 170 एनएम का टॉर्क जनरेट करती है, लेकिन स्टिल गाड़ी चलाते समय कहीं कहीं पे पावर लैक करती है गाड़ी। इस गाड़ी को अगर आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर चलाते हैं तो इसका हैंडलिंग का इशू है, आप कहीं कहीं आपको हैंडलिंग में ना कॉन्फिडेंट लेवल आपका कम हो जाएगा इस गाड़ी में। सबसे वर्स्ट पार्ट है टाटा नेक्सॉन का सर्विस पार्ट। अगर इस गाड़ी को खरीदने के बाद आफ्टर सेल जब आप सर्विस करवाने जाते हैं तो फिर आपको लगेगा कि आपने क्या खरीद लिया है। क्योंकि देखो इसका सबसे बड़ा रीज़न है क्योंकि टाटा जितनी गाड़ियां बेच रही है ना उसके हिसाब से उतना सर्विसिंग कराने का जगह नहीं है इसके पास में, यानी कि सर्विस स्टेशन अगर टाटा बढ़ाए तो ये क्वालिटी इम्प्रूव कर सकती है। इसके अलावा टाटा की गाड़ियों पे सर्विसिंग कॉस्ट भी थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि देखो जहाँ पे टेक्नोलॉजी का इशू होगा वहाँ पे खर्चे तो बढ़ेंगे भाई। तो बात तो सही है। रस्टिंग की इशू भी आती है टाटा की गाड़ियों पे। कोई बात नहीं, अगर आप रिलायबल इंजन चाहिए आपको और बढ़िया टेक्नोलॉजी चाहिए तो अगली गाड़ी के साथ आप जरूर जाइए। लिस्ट में नंबर दो पे आती है मारुति की ब्रेजा। मारुति की ब्रेजा में अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया चीज़ है इसका रिलायबल इंजन मिल रहा है, और इसमें आपको 1200 सीसी का इंजन नहीं मिलता है, 1462 क्यूबिक कैपेसिटी का इंजन मिलता है, यानी कि क्लोज टू 1500 सीसी। इस गाड़ी में आपको साइलेंट इंजन मिलता है एकदम, जो कोई आवाज़ ही नहीं करता है, नॉइज तो छोड़ दो। इसके अलावा इस गाड़ी में आपको किसी भी तरह का इसका इंजन में वाइब्रेशन साउंड नहीं मिलेगा। 10 लाख के बजट के हिसाब से अगर देखा जाए तो मारुति ब्रेजा का LXi वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस 9,32,000 रुपये लगेंगे। सबसे पावरफुल इंजन देने के बाद भी यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 70,000 रुपये कम बच रहे हैं, लेकिन ये 70,000 की पार्टी नहीं करनी है, इसकी एक्सेसरीज लगाना है, क्योंकि आपको जो मैं मॉडल रिकमेंड कर रहा हूँ 10 लाख के बजट से, ये इसका LXi वेरिएंट है, इसका बेस वेरिएंट है, और इसमें ना आपको फीचर्स थोड़े कम मिलेंगे। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इसमें 4 सिलेंडर का 1462 क्यूबिक कैपेसिटी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि नेचुरली एस्पिरेटेड 101 पीएस का पावर जनरेट करेगी और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करेगी। ये लिटरली बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसको भाई पावर जनरेट करने के लिए किसी भी तरह की टर्बो की गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरली एस्पिरेटेड पावर जनरेट करती है और टॉर्क भी। इस गाड़ी में अगर देखा जाए तो ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक मिलता है 198 mm का, ये थोड़ा बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मारुति की गाड़ियों में पता नहीं क्या दिक्कत है, ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम रहता है। माइलेज की बात करें तो 17.38 का कंपनी क्लेम है, जो कि इसी के आसपास में लगभग आपको माइलेज मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज़ है ना कि इसमें आपको देखो फीचर्स तो थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आगे क्या क्या बढ़िया है ये आगे मैं बता रहा हूँ आपको। फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इसमें आपको 2 एयरबैग मिल रहा है, ABS विद EBD मिल रही है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल OR भी मिल रहे हैं, बाहर के दोनों मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड नहीं कर सकते, ऑल 4 पावर विंडो आपको मिल जाएगा, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहा है भाई गरीबी में इस गाड़ी में आपको, LED टेल लाइट मिल रही है इस गाड़ी में आपको, और कीलेस एंट्री मिल जाएंगे आपको। तो मेजर फीचर्स में देखा जाए तो यही है, बाकी जो पैसे बचेंगे उसमें का बढ़िया सा आप म्यूजिक सिस्टम पार्किंग कैमरा के साथ लगा लो, गाड़ी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और सबसे अच्छी चीज़ क्या पता है, मारुति की गाड़ी होकर के ग्लोबल NCAP पे इस गाड़ी ने 4-स्टार रेटिंग की सेफ्टी लेकर के आई है। इतना अच्छा रिलायबल इंजन के साथ में मारुति का ब्रांड भी मिल गया आपको, रिलायबल इंजन, रिलायबल कंपनी और 4-स्टार रेटिंग की सेफ्टी मिल गई इस गाड़ी में। बैकड्रॉप की अगर बात करें तो भैया बैकड्रॉप है कि इस गाड़ी पे सबसे बड़ा बैकड्रॉप है कि मारुति का लोगो लगा हुआ है। दूसरा बैकड्रॉप है कि इस गाड़ी में आपको लोएस्ट फीचर मिल रहे हैं, जितनी भी मैंने गाड़ियाँ बताई सबसे कम फीचर्स मिल रहा है इसी गाड़ी में आपको। इस गाड़ी को कभी भी आप बेचने जाओ ना तो रीसेल वैल्यू आपको लिटरली बहुत ही बढ़िया मिलता है, क्योंकि ये मारुति की गाड़ी है, ऊपर से मारुति की ब्रेजा है। अच्छा, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भैया मैं मारुति की ब्रांड के साथ नहीं जाऊंगा, तो लिस्ट में नंबर 1 पे जो हम लोगों ने रखा है, इसका इंजन भी बहुत बढ़िया है, कंपनी भी बहुत बढ़िया है, ब्रांड भी बहुत बढ़िया है, और ये साथ में इंडियन ब्रांड भी है, यानी कि लिस्ट में नंबर 1 पे आती है महिंद्रा की 3XO, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है। जितनी भी मैंने आपको गाड़ियाँ बताई है उसमें से सबसे लेटेस्ट लॉन्च, सबसे बाद में लॉन्च यही हुई है महिंद्रा की 3XO, यानी कि सबसे अपडेटेड गाड़ी आप लेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, इस गाड़ी को अभी भी इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया गया है, यानी कि प्राइस ऑलरेडी जिस प्राइस पर इसको लॉन्च होना है उससे कम प्राइस पर इसे लॉन्च किया गया है, यानी खरीदने के लिए राइट टाइम अभी है इस गाड़ी को। 10 लाख के बजट के हिसाब से देखा जाए तो महिंद्रा 3XO का
MX2 Pro वेरिएंट आप कंसीडर कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड प्राइस लगेगी 10,07,000 रुपीस, 7,000 रुपए खाली ज़्यादा लगेंगे आपका, जिसमें कि आपको तीन सिलेंडर का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम 128 पीएस का पावर जनरेट करती है और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यानी कि जितनी भी मैंने अभी तक गाड़ियाँ बताई, जिसमें से सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करने वाली यही सिंगल गाड़ी है। थर्ड नंबर पर इसका बूट स्पेस है 364 लीटर का, ठीक ठाक आपको मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए तो 201 mm का मिल रहा है, जो कि ठीक ही है। माइलेज की बात करें तो 18.2 किलोमीटर का है। ड्राइविंग की बात करें, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बात कर लेते हैं, इस गाड़ी की हैंडलिंग वाइल्ड ड्राइविंग बहुत ही बढ़िया रहती है, स्टेबिलिटी भी बहुत बढ़िया रहती है, नेक्सॉन की जैसी नहीं, कमजोर हो जाएगी। इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई भी पावर लैग नोटिस नहीं किया गया है। माइनर वाइब्रेशन है, लेकिन इंजन फिर भी ड्राइविंग में स्मूथ इंजन मिलता है। गाड़ी में किसी भी तरह का वाइल्ड ड्राइविंग लैग फील नहीं करेंगे आप। फीचर्स के नाम पर अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में फीचर्स भी बढ़िया मिलते हैं आपको, इसीलिए इस गाड़ी को मैंने लिस्ट में नंबर 1 पे रखा है। 6 एयर बैग आपको मिल जाएंगे, ABS विद EBD मिल जाएगी, इसके अलावा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआर भी मिल जाएंगे, यानी कि बाहर के मिरर आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, उस पे आपको LED टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा मिरर में ही। ऑल फोर पावर विंडो भी मिल जा रहे हैं आपको, चारों पावर विंडो मिलेगा। रिवर्स पार्किंग सेंसर के साथ गाड़ी आएगी। 60-40 स्प्लिट रियर सीट भी मिल रहा है, पीछे का सीट जो है वो 60-40 स्प्लिट भी होगा। इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाएगी। ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल रहा है। R16 का स्टील व्हील मिलता है। इसके अलावा रियर AC वेंट्स मिल जा रहे हैं इस गाड़ी में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। ग्लोबल NCAP पे इस गाड़ी ने फुल्ली 5 स्टार लेकर के आई है, एडल्ट प्लस चाइल्ड ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए। बैकड्रॉप की बात करें तो भाई महिंद्रा का पेट्रोल इंजन थोड़ा सा माइलेज कम देती है अपने सेगमेंट में, यही एक इशू है। इसके अलावा मारुति से अगर इसका इंजन कंपैरिजन किया जाए क्वालिटी वाइज में, तो मारुति के कंपैरिजन में इंजन में थोड़ा साउंड है और थोड़ा सा वाइब्रेशन है, लेकिन नेक्सॉन से फार बेटर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, क्योंकि अंधेरा हो चुका है, मैं बार बार एक्सपोजर बढ़ा करके रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मिलते हैं अनदर वीडियो में, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।